लास्ट क्लास में हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था. ओके, म्यूटेशन क्या होती है? बेसिकली ये हेरिटेबल चेंज होता है. कुछ भी जीन्स में या फिर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए जिसकी वजह से कुछ डिजीज हो जाए, कंजेनिटल डिजीजेस या फिर जेनेटिक डिजीजेस कुछ हो जाए, ठीक है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं. कुछ भी जीन्स में या क्रोमोसोम्स में कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है. तो फिर इसकी टाइप्स करी थी हमने लास्ट क्लास में. जीन म्यूटेशन है एक है, और एक है क्रोमोसोम म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन नाम से पता चल रहा है कि वो जीन में, पर्टिकुलरली जीन में जाके म्यूटेशन हो रही है. और क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? बेसिकली क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो रही है, ठीक है. जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्रोमोसोम में आ रहे हैं. फिर हमने जीन म्यूटेशन में सबसे पहले जीन म्यूटेशन के थ्री वो हैं इसके, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, ठीक है. इन सबके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा. सबसे पहले करा था हमने पॉइंट म्यूटेशन. इसमें पॉइंट म्यूटेशन में क्या था, जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो बेसिकली रिप्लेस हो रहे हैं. ये वर्ड आपने याद रखना है कि रिप्लेस हो रहे हैं. जो पॉइंट म्यूटेशन में किसी एक पॉइंट में आपका जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, किसी और न्यूक्लियोटाइड बेस से, ठीक है. और किस तरह से हो सकता है ये? ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्जन. ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन जो है वो प्यूरिन जो है वो प्यूरिन से ही रिप्लेस हो रहा है, पिरिमिडिन जो है वो पिरिमिडिन से ही रिप्लेस हो रहा है, ठीक है. और प्यूरिन और पिरिमिडिन में पहले भी बता चुके हैं आपको क्या होते हैं ये. और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है और जो पिरिमिडिन है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है. ये दोनों ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन टू इसके ये हैं कि इस तरह से ये पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है. अब इसके टाइप्स थे, साइलेंट म्यूटेशन थी, नॉनसेंस म्यूटेशन थी और मिससेंस म्यूटेशन थी. तो ये साइलेंट म्यूटेशन में क्या था, बेसिकली किसी एक पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में आकर के वो जैसे ये थायमिन के बदले में एडोनिसिन लग गया, तो फिर आके यहाँ पे यूरेसिल लग गया, तो सीरीन के बदले में यहाँ पे सीरीन ही वो कोड कर रहा है उसको, ठीक है. नॉनसेंस में क्या था कि यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन लग गया करके, ठीक है. और मिससेंस में क्या था कि आपका सीरीन बनना था, वहां से सीरीन ना बन के प्रोलीन बन गया, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि जो डीएनए है, डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर फॉर डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ दीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. प्रोटीन जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसी के थ्रू बनेंगे, ठीक है. वो कोड करता है, आरएनए जो है वो डीएनए से कोड करेगा. तो ये जो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है एमआरएनए में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन. और जब ये जो एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसकी वजह से जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, ठीक है. यहाँ पे डीएनए से आरएनए में जा रही है कोई वो क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. और जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे हम, ठीक है. तो ये हो गया था हमारा, ठीक है. टर्मिनेशन कोडोन यहाँ पे नॉनसेंस के मैंने आपको बता दिया आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड चेंजेस जो हो रहे हैं वो उस तरह से हो रहे हैं कि जिसमें लास्ट में टर्मिनेशन कोडोन लग गया, मतलब वहां पे प्रोटीन बनना ही बंद हो गया, ठीक है. नॉनसेंस मतलब कि कोई सेंस नहीं बनी यहाँ पर कि हम यहाँ पे सीरीन बनना था पर यहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं बना के टर्मिनेशन कोडोन हो गया, प्रोटीन बनना ही बंद हो गया. और मिससेंस में क्या हुआ, सीरीन बनना था पर यहाँ पे आके प्रोलीन बन गया. नेक्स्ट इन्होंने मिससेंस का एग्जांपल दिया था ग्लूटामिन और ये मिस सिकल सेल एनीमिया, ठीक है. प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन जो है ग्लूटामिन था, जो यहाँ पे म्यूटेशन हुई एडोनिसिन के बजाय, ठीक है, थायमिन आ गया, तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे वैलिन प्रोटीन बन गया यहाँ पे. ये एक म्यूटेंट है, ठीक है. ये भी कराया था लास्ट क्लास में. अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है कि जो डीएनए है, हमारा डीएनए है, ठीक है, उसमें एक या फिर एक से ज्यादा बेस पेयर्स जो हैं या तो ऐड हो जाएंगे या फिर वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है. ऐड होंगे या फिर डिलीट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम होगी एमआरएनए में, ठीक है, वो पूरी की पूरी ऑल्टर हो जाएगी, ठीक है. उसको वो अलग ही रीड करेगा अब उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि कोई चीज ऐड हो गई या फिर कुछ डिलीट हो गया. पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा था, रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है पर कुछ ऐड हो रहा है या फिर तो यहाँ से कुछ, ठीक है, डिलीट हो रहा है, ठीक है. उसकी वजह से क्या हुआ, रीडिंग फ्रेम में ऑल्टरेशन हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में भी ऑल्टरेशन हो जाएगी, ठीक है. तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स डिलीशन और इंसर्शन ऑफ वन
और टू बेस पेयर विद इन अ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन, ठीक है, एज द कोडिंग मैसेज इज रेड इन ट्रिपलेट्स, ठीक है, ट्रिपलेट कोडोन्स में ही कोडिंग मैसेज रीड करते हैं ना, ठीक है, तो एंड डिलीशंस एंड द रीडिंग deletions the reading frame of mRNA is altered resulting in a nonsense sequence of amino acids, okay? कुछ अलग ही amino acid बनने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे example दिया इन्होंने, एक beta globulin होता है, ठीक है, globulin से आपको पता लग रहा होगा कि ये globin जो है hemoglobin का ही एक जैसे, ठीक है, part होता है, तो beta globin protein जो होता है वो एक hemoglobin का एक subunit होता है, ठीक है, और ये protein किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ये ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है हमारी नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स में उनमें जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसके लिए बीटा ग्लोबुलिन ग्लोबिन जो है प्रोटीन वो चाहिए ज़रूरी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑल्ट्रेशन हो गई, ठीक है, किसी जो 39 नंबर पे जो कोडोन था वो डिलीट हो गया, जिसकी वजह से, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम ही ऑल्टर हो गई और एक स्टॉप कोडोन बन गया वहाँ पर आकर के, और जिसकी वजह से कोई मतलब एबनॉर्मल ये ग्लोबिन्स आरबीसी बनना शुरू हो गया वहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ही इन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कि जो मसल्स में है वो वीकनेस हो रही है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहले मिथायोनिन बन गया, ठीक है, ये ग्लाइसिन बन गया, एलेनिन बन गया, लाइसिन बन गया, सेरिन बन गया, ठीक है, ऐसे करके ये नॉर्मल चल रहा था, ए यू जी, ठीक है, जी जी जी, जी सी सी, ए ए ए, ए यू ए जी यू, ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा था. अब यहाँ पे इन्होंने इंसर्शन का बताया कि इंसर्शन मतलब कि कोई आकर के इंसर्ट हो गया, यहाँ पे यूरेसिल जो है, यूरेसिल जो है यहाँ पे आकर के ऐड हो गया आपका, ठीक है, ये आपको रेड लाइन से दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक तो सेम था, ठीक है, मिथायोनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन तक तो ये सेम था, ठीक है, पर यहाँ पर आकर के ये यू ऐड हो गया, ठीक है, यू ऐड हो गया तो क्या हुआ, रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गई, यहाँ पे ए यू ए जी यू इसने करना था पर यहाँ पे यू आ गया तो वो तीन के उसमें, ठीक है, तीन के उसमें वो कोड करता है, तो फिर यू ए जी आ गया पहले, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यू लिया उसने और यू यू ए बन गया और जी यू यू, ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी की पूरी वो जो इसकी जो फ्रेम थी वही शिफ्ट हो गई, ठीक है, कोई चीज आकर के लगी तो फ्रेम पूरी की पूरी ही उसकी शिफ्ट हो गई, ये इंसर्शन में ये है इसमें. और डिलीशन में क्या है, यहाँ पे मिथायनिन बन रहा था, ग्लाइसिन बन रहा था, यहाँ से बेसिकली जो एलेनिन का जो जी है ये डिलीट हो गया, जिसकी वजह से सी सी ए बन गया, ठीक है, और ये सी सी ए क्या है, वो एलेनिन का नहीं है, ये प्रोलिन का है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली एलेनिन बनना था पर यहाँ पे आके प्रोलिन बनना शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ पे आके इस पॉइंट में आके म्यूटेशन हो गई, फिर लाइसिन बना और फिर वैलिन बन गया, फिर सेरिन बन गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग प्रोटीन बनना शुरू हो गए, कोई और प्रोटीन बनने थे पर यहाँ पे डिलीशन के वजह से क्या हुआ, और ही प्रोटीन बनना शुरू हो गए. इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर बेस पेयर ऑल्टर्स द रीडिंग फ्रेम ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, इससे क्या हुआ, रीडिंग फ्रेम जो है उस डीएनए स्ट्रैंड की वो ही ऑल्टर हो गई, ठीक है, डिलीशन ऑफ वन कोडोन कॉजिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, एक कोडोन के डिलीट होने की वजह से, ठीक है, ये अलग अलग तरह की डिजीजेस हैं, इन्हें ये क्यों होती हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिलीशन ऑफ सिक्स कोडोन्स इन बीटा ग्लोबिन जीन रिजल्टिंग इन वेरिएंट हीमोग्लोबिन. सिक्स कोडोन्स कौन से बता रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 92 से 97 ये जो छः के छः पूरी इतनी सारी फ्रेम जो है ये सारी की सारी ही डिलीट हो गई, ठीक है, जो ये इतने सारे कोडोन्स थे, छः कोडोन्स थे, ये पूरे के पूरे डिलीट हो गए बीटा ग्लोबिन जीन में, ठीक है, जिसकी वजह से वेरिएंट ये बन गया, इसका हीमोग्लोबिन का वेरिएंट वो बन गया. नेक्स्ट यहाँ पे भी इन्होंने ये दिखाया, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन का ही दिखा रहे हैं अभी भी, कि यहाँ पे आकर के डिलीशन हुआ, ठीक है. नेक्स्ट ये है इंसर्शन का, इन्होंने दिखाया है एक एग्जांपल, इंसर्शन ऑफ फोर बेस पेयर, ठीक है, फोर बीपी मींस फोर बेस पेयर, फोर बेस पेयर कौन से, यहाँ पे ए सी ए टी, ठीक है,
ये यहाँ पे आके वैलिन के बाद यहाँ पे आके ठीक है AUG चल रहा था, CAG चल रहा था, GUG चल रहा था, उसके बाद ACC आना था, पर यहाँ पे ये चार बेस पेयर जो हैं ये आकर के यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ACA बन गया और UAC बन गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गई, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई यहाँ पे। अब ये कौन सा है, एक टेसेशियल डिजीज होती है एक, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये हेक्सोएमाइनिडेज जीन होता है, ठीक है, जो आपका हेक्सोएमाइनिडेज जो होता है वो एक लाइसोसोम होते हैं जो हमारे उनके अंदर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और ये रिसाइकलिंग सेंटर की तरह ही काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो टेसेशियस डिजीज में क्या होता है, ये यहाँ पे ये एंजाइम ही बनना बंद हो जाता है, जो आपका बीटा हेक्सोअमाइनेडेज जो ए है ये एंजाइम ही बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टेसेशियस डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो नर्व सेल्स होते हैं आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टेसेशियस डिजीज इज अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयज द नर्व सेल्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो टेसेशियस डिजीज है यहाँ पे इंसर्शन हो रही है फोर बेस पेयर्स की, ठीक है, जिसकी वजह से हेक्सोएमाइनेडेज जो था जीन था उसमें म्यूटेशन हुई और वहां पे बीटा हेक्सोएमाइनेडेज जो बनना था एंजाइम वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट। तो इसमें रिपीट रिपीट से क्या मतलब हुआ, ठीक है, रिपीट हो रहा है वो, ठीक है, जहाँ पे जैसे ये सी ए जी था वहाँ पे सी ए जी, ठीक है, रिपीट रिपीशन में चला गया वो, ठीक है, रिपीट होता गया वो, जो कोड है वो बार बार रिपीट होता गया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर रिपीटेड इन रैंडम मेनी टाइम्स ओवर, ठीक है, द नंबर ऑफ रिपीट्स वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, इसमें फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है इंक्लूडिंग लर्निंग और लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक म्यूटेशन होती है जहाँ पे जो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है वहाँ पे। ये इन्होंने बताया है कि देखिए यहाँ पे आके ये रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है।